Hi, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel. So here is question number 7 of exercise 8.1. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. हमें एक रोम्बस दे रखा है ए बी सी डी, तो हमें क्या शो करना है कि ये जो ए सी है ये बाइसेक्ट है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए और एंगल सी को। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे और फिर सेकंड में हम क्या प्रूव करेंगे कि बी डी, फिर इसको कंस्ट्रक्शन से इसको ज्वाइन करके फिर इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी। तो ये ट्रायंगल लेके चलते हैं सबसे पहले, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। ये जो ए बी है ये बी सी इक्वल दे रखा है क्योंकि ये क्या है, रोम्बस, और रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। तो इसका रीजन लिख देंगे हम, अगर ये साइड हमारी इक्वल होगी ए बी और बी सी, इसमें हमने इस एंगल को मान लिया 1, इस एंगल को मान लिया 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, इसको हम लेट करके चलते हैं। ओके, अब सेकंड हमारे क्या हो जाएगा, अगर ये हमारी दोनों साइड इक्वल होगी तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4, और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 2, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सो लिखेंगे ए बी के सामने हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ सेकंड हमारा जो ये है एंगल 2 और एंगल 3, ये भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो जाएंगे हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल मीन्स इक्वल है और पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्या करेगी, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, अगर एंगल 4 हमारा 2 के इक्वल है और 2 हमारा 3 के इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे हम एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 2, 3, 4 तीनों एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो हम इससे क्या कह सकते हैं, सो अगर 2, 3 के इक्वल है तो इस 4, 3 के इक्वल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। नाउ हमारा एंगल 4 और एंगल 1 ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, शो कर रखा है इसमें, जैसे हमने एंगल 2 और 3 को किया था ऐसे ही हमारा एंगल 4 और इज इक्वल टू एंगल 1, ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। अगर एंगल 4 हमारा 3 के इक्वल है, एंगल 4 हमारा 2 के इक्वल है, एंगल 4 हमारा 1 के इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। सो एंगल 2 और 1 भी हो जाएंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये एंगल 2 और एंगल 2, 1 दोनों इक्वल है, इट मीन्स एसी का इसको बाइसेक्ट कर रहा है, अगर दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। सो लिखेंगे सो एसी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। सो नाउ अगर हमारा एंगल 4 3 के इक्वल और एंगल 2, 1 के इक्वल है, तो दोनों एंगल क्या करेंगे, दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये वाला इस एंगल ए सी क्या करेगी, एंगल ए को और एंगल सी को, दोनों को ही बाइसेक्ट करेंगे, अगर दोनों एंगल को हमने प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड करते हैं कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, तो ये डी है यहाँ पे, ये एंगल बी है, तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, लिखेंगे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन, नाउ ज्वाइन बी डी, बी डी को हमने ज्वाइन किया, अब कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे हम, पहले ए बी सी ली थी, अब ए बी डी ये वाली ट्रायंगल लेके चलेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में हमें दोनों साइड इक्वल दे रखी है, ए बी और ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी इक्वल है, अगर ये दोनों हमारे इक्वल हैं तो वही रीजन देंगे इसके, क्या साइड ऑफ रोम्बस, तो साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, या फिर साइड ऑफ रोम्बस इतना लिख सकते हैं, अगर ये दोनों हमारे इक्वल है तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, ए बी के अपोजिट ये वाला एंगल होगा, और इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं एंगल 5, और ए डी के सामने, ए डी के सामने कौन सा एंगल होगा, ए बी इक्वल टू ए डी, ए डी इसको एंगल 5 मान लिया हमने, इसको एंगल 6 हो गया,
ये एंगल हमारा 7 हो गया और ये एंगल हो गया हमारा 8, नेट कर लिया हमने इनको। तो एडी के सामने कौन सा एंगल 7, तो क्या दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। इसका भी हम रीजन देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो सेम ऐसे। और सेकंड हमारे इसमें एंगल 7 और 6 इक्वल हो जाएंगे और एंगल 5 और 8 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, दोनों का रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 4, एंगल 5 7 को, ये हो जाएगी हमारी 4, ये हो जाएगी हमारी 5 और ये हो जाएगी इक्वेशन 6। तो इन तीनों से अगर हमारा एंगल 5 7 के इक्वल है, 7 6 के इक्वल और 5 8 के इक्वल, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। सो इन तीनों एंगल को इक्वल रखेंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। सो लिखेंगे हमें एंगल 5 7 6 तीनों इक्वल है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 लिख सकते हैं और एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। फ्रॉम क्वेश्चन क्या है 4 5 एंड 6 से, तीनों से लिख दिया हमने इसको। अगर ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, 5 और 6 इक्वल हो गए, 7 8, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा 7 और 8, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एंगल बी को सबटे वो बाइसेक करेंगे। सेम यहाँ पे हमारा एंगल 5 और 6 है तो एंगल डी को सबटेक वो बाइसेक करेंगे। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे अब इसका, कि दोनों हमारे एंगल इक्वल हो गए, सो लिखेंगे सो बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, लास्ट में लिखेंगे प्रूव। और ये हमें प्रूव करना था कि एंगल बी बी डी साइड जो है बी और डी को बाइसेक करती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ना हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी हमारा कोई रेक्टेंगल है जिसके अंदर डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल वे एंड एज वेल एज एंगल सी, जिसके अंदर हमारा जो ए सी एंगल ये डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल सी को, इट मीन्स एंगल 1 4 के इक्वल है और एंगल 2 3 के इक्वल है। तो हमें शो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में देखा ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, ए बी सी डी को स्क्वेयर प्रूव करना, और स्क्वेयर का प्रूव होगा जब हमारी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों अगर इक्वल होगी तो हमने इसको ए बी सी डी को स्क्वेयर प्रूव कर देंगे। सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है, डायगनल बी डी, ये जो बी डी है डायगनल ये बी और डी को क्या करता है बाइसेक करता है, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, तो इसके अंदर हमने इसको ये हमारे एंगल 1 है, ये 2 ये 3 और 4 है, तो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों हो गया रीजन देंगे, क्योंकि एंगल 1 हमारा 3 के इक्वल है और एंगल 4 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 3 हमारा किसके इक्वल है एंगल 2 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये वाला इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। सेकंड हमारा 2 किसके इक्वल है 3 के इक्वल, क्यों, क्योंकि सी इसको बाइसेक कर रहा है, तो इसको लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमारा अब ट्रायंगल लेके चलते हैं हम ए सी डी, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी इस वाली ट्रायंगल में जो हमारी सी डी साइड है किसके इक्वल है ए डी के, क्यों, क्योंकि जो हमारा एंगल 1 है इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी सी डी और एंगल जो 2 है इसके अपोजिट साइड होगी ए डी, तो दोनों साइड इक्वल होगी। अब इसका रीजन देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1, सी डी इज इक्वल टू ए डी। सेकेंड जो हमारा ए बी है ये इसके सी डी की इक्वल होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, क्या लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ये जो बी सी है ये इसके ए डी की इक्वल होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती है, क्या लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी,
इसको इक्वेशन टू मान लेंगे, इसको थ्री। इसका रीजन देंगे दोनों का, साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होती है। अब तीनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम वन टू एंड थ्री, सी डी ए डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है और ए बी सी डी के इक्वल है, तो इनको इक्वल लिख सकते हैं सबको। फ्रॉम वन टू एंड थ्री हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी सी डी, सी डी इक्वल टू ए डी। इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन फोर। अगर हमारी चारों साइड ए बी बी सी सी डी और ए डी अगर चारों साइड हमारी इक्वल आ गई तो ये क्या है, स्क्वेयर है। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, ये हमें प्रूव करना था कि ए बी सी डी हमारा स्क्वेयर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें क्या करना है, इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है और इसको इसके, हम इसको लेट कर लेते हैं। ये हमारा एंगल फाइव हो गया और ये हमारा एंगल सिक्स हो गया, इसको सेवन लेट कर लेते हैं और ये हमारा एंगल एट हो गया। अगर हमने फाइव और एट को, सिक्स और सेवन को अगर इक्वल कर दिया तो ये हमारा बी और डी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। सो करते हैं सेकंड पार्ट। नाउ हमारे सेकंड पार्ट में जैसे हमारा बी सी और ए डी इक्वल दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी, सॉरी सी डी, तीनों सभी इक्वल थी हमारी, बी सी इज इक्वल टू सी डी लेके चलेंगे। क्यों, ये हमारा बी सी और ये सी डी, इसको क्यों लेके चले हैं, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो बी सी के सामने एंगल फाइव और सी डी के सामने एंगल हमारा क्या है, सिक्स है, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे एंगल को। सो इसके अपोजिट एंगल फाइव, बी सी के अपोजिट फाइव और सी डी के अपोजिट क्या एंगल सिक्स, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स, रीजन देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फाइव। और एंगल हमारा फाइव और एंगल सेवन इक्वल हो जाएंगे, एंगल सिक्स और एट भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो लिखेंगे एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सेवन, एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल एट, रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इक्वेशन सिक्स हो गई, ये इक्वेशन सेवन हो गई। अब इन तीनों इक्वेशन से हम क्या प्रूव होता है, एंगल फाइव सिक्स के इक्वल है, सिक्स एट के इक्वल है और एंगल फाइव इक्वल टू सेवन है, तो हमारे तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल सिक्स है, एंगल फाइव सिक्स के भी इक्वल है और एंगल फाइव सेवन के इक्वल है, तो सिक्स और सेवन भी इक्वल हो जाएंगे और सिक्स और एट हमारे इक्वल है, तो हमारा एंगल फाइव और एट, क्योंकि फाइव सिक्स के इक्वल और सिक्स एट के, तो एंगल फाइव और एट भी इक्वल हो जाएंगे। ऐसा लिखेंगे हम, फ्रॉम फाइव सिक्स एंड सेवन, इन तीनों से हमने क्या प्रूव किया है, एंगल सिक्स हमारा सेवन की इक्वल हो गया, एंगल फाइव फाइव इक्वल है तो सिक्स और सेवन इक्वल हो जाएंगे, एंड एंगल हमारा फाइव सिक्स के इक्वल है और सिक्स एट के इक्वल, तो फाइव और एट इक्वल हो जाएंगे, एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल एट। अगर ये दोनों हमारे इक्वल हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं, सो बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल बी, लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमारा फाइव और एट इक्वल आ गया और सिक्स और सेवन दोनों एंगल हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो हमारा बी और डी भी इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो।